खरगोन जिले के महेश्वर जल विद्युत परियोजना संघ के कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण मांग को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया। हम आपको बता दें कि महेश्वर जल विद्युत परियोजना प्रबंधन द्वारा मैनेजमेंट के साथ सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है, वहीं उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर आकर रैली निकाली और महत्वपूर्ण मांग वेतन न मिलने की बात पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल गोयल ने बताया कि जल विद्युत परियोजना के अतिरिक्त महाप्रबंधन मुकेश बागड़िया हमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करके हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का मानना था कि समस्या से जल्द निजात मिले, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जल विद्युत परियोजना कर्मचारी संघ से अध्यक्ष हूँ, कमल गोयल है मेरा नाम और हम महेश्वर जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी हैं। कर्मचारी संस्थान के प्रबंधन द्वारा हमें विगत 10 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, इससे हमारी लोगों की बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। लोग मानसिक तनाव में हैं और किसी भी अप्रिय घटना के लिए कभी भी हो सकती है, ऐसी बहुत कुछ संभावनाएं बनती है, क्योंकि पूर्व में भी एक कर्मचारी के साथ ऐसा हो चुका है। वर्तमान में प्रबंधन को हमने व्हाट्सएप के थ्रू, सारी आवेदन के थ्रू अवगत कराया, बाकी प्रबंधन कोई विशेष तौर से ध्यान नहीं दे रहा है। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सब संस्थान छोड़ के अपने अपने घर बैठे हुए हैं और अपने अपने घर से दुकानदारी चला रहे हैं और हम लोगों की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। अभी आप साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? साहब ने आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, उन लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे। बाकी हम जहाँ तक कॉन्टेक्ट करते हैं लोग उच्च प्रबंधन से, वो कोई हमारा कॉल अटेंड नहीं करता, और अटेंड करता है तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है कि कब मिलेगा। ये हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में 10 महीने निकाल दिए इन लोगों ने। वहाँ पे वेतन के साथ साथ बिजली पानी भी बंद हो चुका है। बिजली वर्तमान में सर पिछले विगत एक माह से कटी हुई है, ये कनेक्शन कटा हुआ है। एमपीपी का 30 लाख के लगभग बाकी है। एमपीपी सपोर्ट कर रही है, एमपीपी कह रही है कि अगर आधा बिल भी अगर संस्थान जमा करता है तो जुड़ जाएगी, बाकी संस्थान के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। संस्थान अपनी मस्ती में मस्त है, क्योंकि उच्च प्रबंधन अपने अपने घर बैठा हुआ है और यहाँ जो कम से कम 35-40 कर्मचारी है, फैमिली है, जो इस रेसिडेंस एरिया में, परियोजना के रेसिडेंस एरिया में रहती है, वो लोग अंधेरे में है। एक महीने से स्थायी कनेक्शन की कोशिश की गई, उस संबंध में भी आज तक कोई हमको संतोषजनक कार्य से अवगत नहीं हुआ और न कनेक्शन मिला और लोग मजबूरी। आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? हम पहले तो सुनवाई में आए हैं कलेक्टर महोदय के पास, अगर यहाँ से हमको कुछ राहत मिलती है या कुछ अच्छा होता है और ध्यान दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गोयल है, श्री महेश्वर जल विद्युत परियोजना कर्मचारी संघ अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।